थोड़ा सा जानकारी बताओ आप लोगों के बारे में। एक्चुअली हम लोग ज़ाइडेक्स से हैं और ज़ाइडेक्स जो है गुजरात इंस्टीट्यूट है और बायो फर्टिलाइजर के अंदर हम लोग काम करते हैं। ठीक है सर, अगर आज की डेट में हम लोग किसान का देखें तो उसको उतनी उस तरीके की मतलब प्रोडक्शन आ नहीं रही, उसके कई सारे कारण हैं जिसमें सबसे बड़ा कारण है ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है सर, इंडियन सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन 0.2% से लेकर 0.3% है, जबकि एग्रीकल्चर के अंदर मिनिमम 5-7% ऑर्गेनिक कार्बन का होना जरूरी है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए तो हम लोग गोबर का खाद तैयार करवाते हैं। जैसे अगर आप ये सैंपल देखोगे, ये हमने तैयार करवाया हुआ है, फार्मर को जो उसका गोबर का खाद है उसको 1-1.5 फुट की हाइट बनानी होती है, और 1-1.5 फुट की हाइट बनाने के बाद में फिर ये ज़ाइटोनिक गोदन है जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंदर आता है। 6 किलो ज़ाइटोनिक गोदन को 600 लीटर पानी में मिला के डालना पड़ता है, और उसके बाद में गोबर की जो खाद है उस पर बिखेर देना होता है। लगभग 45 दिन का टाइम लगता है, 45 दिन के अंदर ये जो खाद है ऐसी क्वालिटी बन जाती है, और फार्मर को एक ट्रोली 1 एकड़ में मतलब डालने की ज़रूरत है, उसको 7-8 ट्रोलियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मेनली इस तरीके से काम करते हैं, और अब की बार हमने क्रॉप पैकेज भी बनाया है, जैसे बीटी कॉटन है। ठीक है, तो बीटी कॉटन के अंदर गुलाबी सुंडी की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। गुलाबी सुंडी के अंदर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की सलाह देती है, यानी किसान जो है वो एकीकृत कीट प्रबंधन के ऊपर जाए। तो लास्ट ईयर ज़ाइडेक्स ने हरियाणा के अंदर 1600 एकड़ के अंदर पूरा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तहत बीटी कॉटन करवाया है, जिसमें हमारे किसानों की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आई है, हाइएस्ट आई है। उसके अंदर हम लोग फार्मर को यही बताते हैं कि आप एक तो फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें, 4-5 फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ में मतलब आप लगाएं, उसके बाद में पहले स्प्रे के अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल की अगर बात करें तो ज़ाइडेक्स जो है ये प्योर नीम ऑयल देती है, ये साइको नीम के नाम से है। लास्ट ईयर लगभग हमने 2000 एकड़ के अंदर ये इस्तेमाल करवाया है, और पहले और दूसरे स्प्रे के अंदर जिन जिन फार्मरों ने करा उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इस तरीके का हमारा ये। धन्यवाद सर।